लास्ट सेशन में हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग के किस क्वेश्चन तक देखा था? क्वेश्चन नंबर ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जरा ढंग से देखें। क्वेश्चन नंबर 4, उम्मीद करते हैं बेस समझ में आया होगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 10, ढंग से देखेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 10, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 6, फिक्स कॉस्ट दिया है 2000, एक्चुअल सेल्स दी है 20,000। कहता है बीईपी निकालें यूनिट्स में, बीईपी निकालें रुपीस में और बीईपी निकालें परसेंटेज में। पक्का ना? हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। सॉल्यूशन, सेल दिया है पर यूनिट 10 माइनस वेरिएबल कॉस्ट दिया है 6, तो ये आ जाएगा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन 4। इधर देखेंगे, माइनस कर देंगे हम लोग, तरीका समझो, इधर फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। एक्चुअल सेल है 20,000 रुपए की। अगर ये इसका 40% है तो ये भी इसका 40% ही होगा, नहीं? और हमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है 2000। आज की डेट में जो हमारा प्रॉफिट है दैट इज 6000। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, बीपी के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए होता है 1000, कितना? अच्छा जीरो। अच्छा, हमें लगा 1000 चाहिए होता है। तो बीपी में हमें प्रॉफिट कितना चाहिए होता है? इसका मतलब फिक्स कॉस्ट तो हमें 2000 रिकवर करनी ही करनी है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन हमें 2000 पाना ही पाना है, और ये भी हमारा 40% ही होगा। कितना आ जाएगा? 5000। अच्छा, तो बीईपी इन रुपीस हमारा निकल गया 5000। अगर हम बीईपी इन यूनिट्स की बात करें तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो 5000 रुपए की सेल करेंगे 10 रुपए पर यूनिट, तो 500 ऐसे निकाल लो 500 यूनिट्स, या सीधे सीधे 2000 डिवाइडेड बाई 4 कर लो। हाँ या ना? दूसरा ऑप्शन है आपके पास, 2000 रुपीज डिवाइडेड बाई 4 रुपीज पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, तो हमें 500 यूनिट्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी 2000 कंट्रीब्यूशन के लिए। ये दो तरीके हैं, समझ में आया? परसेंटेज की बात करें, बीईपी इन परसेंटेज, तो बताओ कितने परसेंटेज पे काम हो? आज हमारा काम हो रहा है 20,000 पे, जबकि हम लोग काम कर रहे हैं 20,000 पे और काम कर सकते हैं जीरो के लिए 5,000 पे। इसका मतलब 25% हमारा बीईपी है नॉर्मल सेल का, जो एग्जिस्टिंग सेल है उसका 25% ही बीईपी है, यानी हम लोग 75% मार्जिन पे काम कर रहे हैं। नोट कर लो,
क्वेश्चन नंबर 5 देखो। जहां न समझ में आए तुरंत रोकना, बिल्कुल इत्मीनान से चलना, चैप्टर बहुत आसान है। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है हमको 5 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस हमको दिया हुआ है 4 रुपीज पर यूनिट, प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स्ड एंड वेरिएबल में बटा हुआ है, दैट इज 3 रुपीज एंड फिक्स्ड अगेन 3 रुपीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिक्स्ड है दैट इज ₹1। क्वेश्चन में कहता है द फिगर गिवन अबव आर बेस्ड ऑन एन आउटपुट ऑफ 1 लाख यूनिट, सेलिंग प्राइस ₹20। हमने सीधे क्वेश्चन नंबर 5 पिक किया, 4 छोड़ दिया क्या? नहीं, सेकंड और थर्ड कल करवाया था, आज फोर्थ नहीं हुआ ना। चलो ठीक, इधर देखो, समझ में आया ये क्वेश्चन? कहता है हमारा लास्ट का इंफॉर्मेशन आउटपुट है 1 लाख और सेलिंग प्राइस 20 रुपीज पर यूनिट। अब हमें बीईपी निकालना है, क्या निकालना है? बीईपी सॉल्यूशन। एनालिटिकल या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट लिख सकते हैं अंडर मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, बोलो ना। पर यूनिट सेल प्राइस है ₹20, यहां पर यूनिट्स हैं 1 लाख। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है आपको मालूम है? 5 + 4 + 3 = 12, हाँ या ना? ये आ गई हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये निकल जाएगा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन 8 रुपीज। हम सीधे सीधे 8 लाख बोलें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, नहीं ना। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर लेते हैं। सर कैसे निकलेगा फिक्स्ड कॉस्ट? सबसे पहले प्रोडक्शन ओवरहेड का फिक्स्ड कॉस्ट निकालो, 1 लाख यूनिट्स का ₹3 के हिसाब से टोटल कितना? इन द सेम वे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का निकालो तो ₹1 के हिसाब से 1 लाख, टोटल आ गया 4 लाख। तो यहां मैंने लिख दिया 4 लाख। नाउ द प्रॉफिट इज ₹4 लाख। अब अगर हमें बीपी निकालना हो तो हमें मालूम है प्रॉफिट रखना पड़ता है 1 लाख। अच्छा, 0। अच्छा, बता दिए। 4 लाख का तो हमें फिक्स कॉस्ट मेंटेन करना ही पड़ेगा, इट मींस 4 लाख रुपए हमारा ये आएगा ही आएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका परसेंटेज कितना था? 40%। ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, अगर ये 40% है तो ये रहेगा 10 लाख। अरे बोलो, और आज की डेट में जो हमारी सेल है 1 लाख यूनिट की ₹20 के हिसाब से कितनी है? 20 लाख। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे बीईपी इन यूनिट, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 8 कर लो तो 50,000 यूनिट्स। अरे बोलना, हमारे पास सारे आंसर्स आ गए। 50,000 यूनिट्स बीईपी, 10 लाख रुपीज इन बीईपी,
और अगर हमसे कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ ले तो हमें तुम लोग को अब बताने में कोई दिक्कत नहीं है। इतनी टोटल सेल है और ये सेल हमारी बीईपी के लिए है, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो टोटल सेल 20 लाख माइनस बीईपी सेल 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख। नहीं समझ में आई बात? नोट करो तो हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6। सेलिंग प्राइस 10 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट, ये मत समझ लेना चैप्टर इतना ही है। तो अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हाँ इसी के बेसिस पर सारा कुछ चलने वाला है। ये अभी तो करवाया था क्वेश्चन 6। सेवेंथ पर आओ, कॉपी पेस्ट हो गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 और 6 कॉपी पेस्ट है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7, अब सुनना ढंग से, इधर देखो, मजा आने वाला है। क्या आने वाला है? मजा इज अबाउट टू कम। पीवी रेशियो हाउ मच, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ओके, सेल्स 1,50,000, बीपी फिक्स कॉस्ट और नेट प्रॉफिट, तीनों कैलकुलेट करो। देखना इधर, चाहे तो फॉर्मूला तुम लोग को समझा कर एक मिनट में करवा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट अगर देखना है तो इधर देखना। सेलिंग प्राइस मालूम नहीं, यहां सेल से समझ लो, पर यूनिट देखा जाएगा यूज हो रहा है कि नहीं। 1,50,000 ये नॉर्मल सेल है। इस स्टेटमेंट को नाम दे सकते हो एनालिटिकल टेबल या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, हाँ या ना, अंडर मार्जिनल कॉस्ट सिस्टम या अप्रोच। माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, सर हम वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें पीवी रेशियो तो दिया है ना, कितना 40%, तो कितना आ जाएगा 60,000। अरे बोलो, अब दिया हुआ है, कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दी है हमें। मालूम है बीपी को अगर इसमें से लेस कर दें तो हमारे पास आ जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यही तो जानते हैं। सेल्स में से अगर बीपी सेल्स को माइनस कर दो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। और हमें मालूम है नॉर्मल सेल कितना परसेंटेज होती है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना परसेंटेज है, इसका मतलब बीपी कितना है, ओ ओ अपने आप निकल गया। तो इसका मतलब 60,000 की सेल इत्थे होगी और 90,000 की सेल इत्थे होगी, पक्का ना? 40% तो कॉमन रहेगा, 40% पीवी रेशियो। अरे बोल, अब माइनस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट,
ये तो हमें दिया ही नहीं हुआ है, दिया है। पूछो कैसे प्रॉफिट हमेशा बीपी में क्या रहता है, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा। ओ, यहां से निकल गया, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे। नहीं, अब 24,000 तो सब में कॉमन होगा, चाहे तुम बिजनेस नॉर्मल में चलाओ चाहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में चलाओ। क्यों, पक्का ना? ठेंगा, कितना आया प्रॉफिट? अब सुनो, क्यों नहीं, एज्यूम नहीं होता, ये चेंजेस है एक तरह से। इन दोनों का डिफरेंस है, एक 50 में से 60 गया, 90, 60 माइनस 24, 36, 24 माइनस 24, 0। ऐसे थोड़ी 36 हर जगह रख देंगे, 24 हर जगह रख देंगे। नहीं समझ में आ रही बात। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आपने क्यों रखा? भूल जाओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, भूल जाते हैं हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब हम अपना बिजनेस इतने सेल्स पर एक्स्ट्रा बेनिफिट अर्न कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बीईपी पर काम कर चुके हैं, अपनी सारी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर चुके हैं। कहानी तो यही है, कहानी तो यही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि हमारा बिजनेस इतने से सेफ है, हम बीपी से ऊपर चल रहे हैं, और बीपी से ऊपर चलने का मतलब ये हुआ कि हम अपनी पूरी फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं। इसके ऊपर जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो 100% प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। यही तो सिखाया था, यही तो सिखाया था, वही तो अभी भी है। और तुम लोग डिफरेंस देख करके चाहो तो देख सकते हो। ये नहीं अभी 24,000 रख दो हड़बड़ी में, चेंजेस में हमेशा फिक्स कॉस्ट जीरो ही होगा, और कॉमन सेंस की बात भी है। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन? बीपी बताओ, लो बता दिया। फिक्स कॉस्ट बताओ, बता दिया। नेट प्रॉफिट बताओ, कोई दिक्कत आई? नोट करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मजा आ रहा होगा? नहीं आ रहा? फिक्स कॉस्ट 120 लाख, पीवी रेशियो 40%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25%, सेल्स बता ले, सेल्स कितनी? अब आ रहा है ना मजा धीरे धीरे, सुडोकू खेल रहे हो तो। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट लिख दें, मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, देख लो इधर। हमें नॉर्मल सेल्स चाहिए, हमें पता ही नहीं है कि नॉर्मल सेल्स कितनी है, लेकिन हमें मालूम है बीईपी सेल्स कितनी होगी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी। डिफरेंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है और ये हमेशा 100 रहता है, इसका मतलब ये अच्छा। पीवी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस कर दें तो हमारा कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज दिया हुआ है 40%, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज, इसका मतलब सेल्स हमेशा। अच्छा, फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं, अब तो ये मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 120 यहां से भी माइनस कर सकते हो, लेकिन यहां से क्यों? क्योंकि बीपी तक तो हमने अपना पूरा फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लिया है, इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना भी कंट्रीब्यूशन बनेगा वो सारा का सारा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट जीरो। डिफरेंस देख सकते हो, 100 में से 75 गया 25, 120 में 120 गया जीरो।
इज इट क्लियर? अच्छा, बाकी सब तो हो गया ना। तो यहां पर बीपी में प्रॉफिट कितना रखा जाता है, अब बताने की जरूरत है क्या? इसका मतलब ये कितना है, और अगर ये 40% के बराबर है तो ये 300 होगा, हाँ या ना? अगर ये 40% के इक्विवेलेंट है तो 300 100% होगा, और अगर ये 75% के बराबर है तो 100% कितना होगा, इसका मतलब ये 100 होगा और ये 400 होगा। सब तो आ गया, कितनी देर लग रही है? अब यही फॉर्मूला अगर मैं बता दूं तो बीमारी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, दिमाग में ही नहीं जाएगा कौन सी चीज, कौन सा फॉर्मूला पहले करें, कौन सा फॉर्मूला बाद में लगाएं। समझ में आया? देखो आप डिफरेंस देख सकते हो, 160 प्रॉफिट हो जाएगा, 40 प्रॉफिट हो जाएगा, 40, देखो सब अपने आप मैच कर गया। फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ बताओ बताओ बताओ, कहाँ मैच नहीं कर रहा, करो। थोड़ा स्पीड ले आएंगे, थोड़ा का मतलब थोड़ी जल्दी करेंगे, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 9, वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट 10% से इंक्रीज हो गई और सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ा दी गई, फिक्स्ड कॉस्ट सेम सेम है, बीपी बताओ। अब कोई इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है, कहता है बीपी बताओ। एक कंसेप्ट समझो, एक बार क्वेश्चन और पढ़ ले, कुछ छूटे ना। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाय 10%, द मैनेजमेंट रेजेस द यूनिट सेलिंग प्राइस बाय 10%, द फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड। सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया था, वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं 40 रुपया था, तो इसका मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन 60 रुपीज था, हाँ या ना? और फिक्स कॉस्ट छोड़ दो, कुछ नहीं दिया है, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ गया, सेलिंग प्राइस भी 10% से बढ़ गया, ये कितना हो गया? पहले इसका रेशियो कितना था, अब इसका रेशियो कितना है? उड़ी बाबा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं, हम 5000 यूनिट मान लेते हैं सेल करते थे, कितनी, और हमारी फिक्स कॉस्ट थी 2 लाख रुपए, कितनी मान ले। तो पहले पुराना हिसाब देख लेते हैं, उसके बाद नया। पहले हम तुम लोगों को समझाना चाह रहे हैं सिस्टम क्या है। देखो इधर, सेल कितनी थी 100 रुपए, माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो गई 40, कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 60, और टोटल यूनिट्स सेल हो रही थी अब तक 5000, हाँ या ना? यानी टोटल सेल्स कितने की, कंट्रीब्यूशन कितने का, माइनस फिक्स कॉस्ट हमने मान लिया है, सारी चीजें मान करके रख रहे हैं, कुछ भी दिया नहीं है क्वेश्चन में, हमको तो कंसेप्ट समझना है ना पहले। तो अब बचा कितना, ये हमारा प्रॉफिट है। अब नए सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं, बड़े हुए वैल्यू पर चलते हैं। अच्छा, पहले पुराने पर ही चलो, बीपी बता दो। बीपी के लिए प्रॉफिट कितना रखना पड़ेगा, 2 लाख, और इधर आ जाएगा 2 लाख, और ये है 60%, बोलो ना, तो बता दो 2 लाख डिवाइडेड बाय 60%। अच्छा सुनो 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 सुनो, फिक्स कॉस्ट तो नए वाले सिस्टम में भी 2 लाख रहेगा, पीवी रेशियो भी नए वाले में 60% रहेगा, पुराने वाले में भी 60%, नए वाले में भी, और हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 60% से,
तो दोनों केस में जब 2 लाख डिवाइडेड बाय 60% होगा तो आंसर वुड बी द सेम। बता दो कितना आया, 3,33,300। अच्छा यूनिट्स में देखना हो तो डिवाइडेड बाय 100 कर लो। अच्छा अब हम नए सिस्टम के हिसाब से चलते, बताने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन ठीक है। सेल है आपकी 100 रुपए पर यूनिट, 110 बढ़ गया ना, और वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 44, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 60%, माइनस फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं वो तो 2 लाख ही है नए वाले में भी, बोलो तो हमारा प्रॉफिट कितना बीपी में, बोलो 2 लाख का 60% कितना आ जाएगा, 3,33,300। अब बात समझ में आई, अगर हमारा पीवी रेशियो सेम रह रहा है, फिक्स कॉस्ट सेम है, तो अल्टीमेटली बीपी भी तो सेम आएगा, ठीक है ना। यूनिट्स में चेंज आ जाएगा, यूनिट्स में चेंज आ जाएगा, 3,33 डिवाइडेड बाई 110 करो तो क्या फिर से 3,33 आ रहा है क्या, 3,33,33 चेंज हो गया ना, चेंज हो गया ना, यानी यहां पर यूनिट्स में चेंज हो जाएगा लेकिन हमारा सेल टोटल वही रहेगा, यानी टोटल सेल वैल्यू शैल रिमाइन द सेम टू अर्न द अमाउंट ऑफ टू अर्न द सेम बीपी, यानी जीरो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वी आर नीडेड टू मेक द सेम सेल्स, लेकिन यूनिट्स कम हो जाएंगी। लेकिन हमसे तो कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं कि बीपी कैसे निकालना है, हमसे तो केवल क्वेश्चन में कहा बीपी बताओ, तो हमने बीपी इन टर्म्स ऑफ रुपीज बता दिया, दैट बीपी इन टोटालिटी मस्ट बी द सेम एज इट इज इन द प्रेजेंट कंडीशन। तो जितना प्रेजेंट कंडीशन में बीपी है वही हमारा फ्यूचर में भी कंडीशन, क्योंकि हमारा फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो दोनों सेम है तो रुपीज में तो सेम आना ही है। हटा दे, ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आने वाले समय में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अ कंपनी कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो यानी पीवी रेशियो दिया हुआ है 1/3, हाँ या ना, यानी 33.33%। फिक्स कॉस्ट दिया है 3 लाख पर मंथ, क्या दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10%, पर मंथ की सेल्स बता दो, सेल्स पर मंथ बता दो, चले सॉल्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, देखो ना इसी सेम फॉर्मेट पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, नहीं हो रहे, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं पड़ी है, बस ये फॉर्मेट समझ में आ जाए, हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट तैयार है। हमें मालूम है पीवी रेशियो कितना है, इसका मतलब ये 100% होगा, इसका मतलब ये 66 पॉइंट, बस ना। अच्छा एक चीज और, ये नॉर्मल सेल्स है, ये बीईपी सेल्स है, और ये चेंजेस यानी कि मार्जिन ऑफ, हमें मालूम है नॉर्मल सेल कितनी रहती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है 90% क्या है पक्का, फिक्स कॉस्ट कितना है 3 लाख यहां भी रख सकते हैं और 3 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी में भी, अच्छा यहां रखेंगे ना,
तो यहां कितना आएगा, यहां कितना रख दें तो ये कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय, तो 9 लाख हो गया ना। अच्छा, इसका भी कैलकुलेशन जरूरी है, बधाई हो। नौ लाख 90% है सेल्स, तो टोटल सेल्स आ तो गया पर मंथ, नहीं और क्या बताना था हमको, बाकी भी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो इसका मतलब यहां भी इतना ही आ रहा होगा, हाँ या ना? नोट करोगे? ऊपर डिटेल जरूर लिखना, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 11, अ कंपनी मेंटेन अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी सुनकर डर नहीं ना लग रहा? अच्छा, ऑन इट्स करेंट सेल्स एंड अर्न अ प्रॉफिट, कितना? 30 लाख। पीवी रेशियो दे रखा है 40%। हमसे सेल्स पूछ रहा है, हमारे लिए तो ये बाएं हाथ का कमाल है, भले हम राइट हैंडेड हो, देखा जाए। अच्छा, राइटिंग खराब हो जाएगी। छेल्ज सॉल्यूशन, इधर देखना, समझने की कोशिश करना, और जो तुम लोगों से पूछेंगे अभी गलत जवाब मिलेगा, तैयार हो देने के लिए। हाँ, गलत जवाब। ये नॉर्मल सेल्स है, ये बीपी सेल्स है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इधर देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, इधर देखना। अच्छा ये बताओ, हमें दिया है प्रॉफिट 30 लाख, तो हम कहां रखें, इधर रखें या यहां रखें या यहां रखें? अच्छा, यानी अब क्लियर है कंसेप्ट। 30 लाख यहां भी रख सकते हो, यहां 0 ही रखना पड़ेगा, तो ये तो 30 लाख ही आएगा, हाँ या ना? क्योंकि दोनों का डिफरेंस होता है, यही जानना था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 25% है तो बीपी 80% होगा, क्यों? अच्छा, पता नहीं। पीवी रेशियो 40% है, अब एक मिनट नहीं लगेगा, पूछो कैसे, अब तो आकर के मामला फंस गया। एक चीज तो तुम लोगों ने बता दी, वो मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, छोड़ देते तो तुम लोग लगा लेते क्वेश्चन को आसानी से। अब देखो सुनो, हमें तो फिक्स कॉस्ट दिया ही नहीं है, तो हो तब तो आई दादा कहां जाए। अरे ये हमेशा क्या होता है, अब समझ में आई बात? हाँ भाई, हाँ, इन दोनों का डिफरेंस ही तो होता है, ये दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, तो ये कितना हो जाएगा? और यही तो मैंने बताया, सारा का सारा कंट्रीब्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉफिट में, चेंज वाला। 30 लाख 40% के बराबर है, तो बताओ 75 लाख हो गया शायद, 75 लाख, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और अगर ये 25% के बराबर है तो 3 करोड़ की सेल हो जाएगी, अगर मैं गलत नहीं हूं कैलकुलेशन में तो।
और 3 करोड़ का 75% 2 करोड़ 25 लाख बीपी में आ जाएगा। आ जाओ अंदर ही आ जाओ, तुम लोग आ जाओ, नहीं आ जाओ, 1 करोड़ 20 लाख 90 लाख, तो इधर भी हो जाएगा 90 लाख, मैच कर गया, इधर भी रख दो 90 लाख, मैच कर रहा है डिफरेंस, सब मैच कर गया। ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, टफ क्वेश्चन माना जाता है, हैं? नहीं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, अगर फॉर्मूला बेस पढ़ाते तो शायद आधा घंटा लगता तुम लोगों को कहानी समझाने में, लेकिन अगर यही चार्ट तुम लोगों ने कर लिया तो ये टफ क्वेश्चन तुम लोगों ने मुश्किल से 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया है। फॉर्मूला नहीं बताएंगे सर, बताएंगे अभी नहीं, क्योंकि एग्जाम में जो मार्क्स मिलेंगे ना तुम लोगों को वो फॉर्मूले पर ही मिलेंगे। किस पर मिलेंगे? फॉर्मूला नहीं लिखोगे, ये चार्ट बनाकर आओगे, अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये तो 2 ही नंबर मिलेंगे, लेकिन हाँ फायदा देखो कितना है कि 1 मिनट के अंदर आंसर सामने आ गया, हमें ये तरीका पता चल गया कि हमको सॉल्व क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है। तो हम पहला आंसर ये लिखेंगे, वी हैव गिवन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट्स वाई द फिक्स कॉस्ट वुड बी द 0 हेयर इन दिस केस, हाँ या ना, and the profit is rupees 30 lakhs and we know very well that in above the sales of the BEP 100% of the contribution will become the profit and in the case of the MOS the profit would be 30 lakhs, fixed cost is 0, so the total contribution at MOS is 30 lakhs, PV ratio is given 40%, now we can approach the total margin of safety sales, that is 75 lakhs, calculate kar loge? और अगर 75 लाख ये मिल गया, that is equal to 25% of the margin of safety, it means 100% of the sales would be 3 crores. Answer is there. नोट लिखते जाओ, फॉर्मूला लगाते जाओ, नोट लिखते जाओ, आंसर लाते जाओ, स्टेप बाय स्टेप, क्या दिक्कत है? हटा रहे, क्वेश्चन नंबर 12, अ कंपनी हैज एनुअल टर्नओवर, सेल्स दिया है पर एनम 200 लाख, सीएस रेशियो, सीएस का मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स यानी पीवी रेशियो, सीएस का मतलब पीवी रेशियो कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन 200 परसेंटेज में आ जाएगा, इसको सीएस भी तो बोल सकते हैं, देखो सी डिवाइडेड बाय एस, तो कंफ्यूज किया है, तो ये बेसिकली क्या है, पीवी रेशियो 40%, 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, दैट इज 10% ऑफ सेल्स, और डेप्रिसिएशन दिया है 10 लाख का और इंटरेस्ट दिया है 15 लाख का, व्हाट्स द एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कंपनी, डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश आइटम वी नो, एंड इंटरेस्ट इज अ फाइनेंस कॉस्ट और यू कैन से दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, चलते हैं देखते हैं नॉर्मल चीजें कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन, हमसे कहता है फिक्स्ड कॉस्ट बताओ, क्या बताओ, कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट बताओ, नॉर्मल सेल, बीईपी सेल्स, एमओएस या चेंजेस लिख सकते हो, सेल्स दिया है 200 लाख का माइनस वेरिएबल कॉस्ट 40%, हमारा पीवी रेशियो है यानी कंट्रीब्यूशन, बोलो, माइनस फिक्स कॉस्ट मालूम नहीं, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट 10% है, तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट 200 लाख का 10% यानी कितना,
बिफोर दिया है आफ्टर दिया है? ये आफ्टर होना चाहिए ना। चलो आप बिफोर भी रहे हमें क्या मतलब, लॉस आएगा जैसा रही होगा, हाँ या ना? तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कितना दिया है? प्रॉफिट 20 कितना दिया है? इसमें से अभी डिडक्ट करना बाकी है डेप्रिसिएशन, इसमें से डिडक्ट करना बाकी है, वो बाद में करते ना, प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होगा, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, वी आर कंसर्न विद दिस वन अमाउंट, हाँ या ना? अच्छा, अगर ये प्रॉफिट है तो ये बताओ हमारा फिक्स कॉस्ट कितना होगा? पक्का, पक्की बात है? अदरवाइज देखो तो टोटल फिक्स कॉस्ट होना चाहिए 60, 70, 80, 5, 85। बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। 60 लाख का ये फिक्स कॉस्ट, 10 का ये, 15 का ये, क्योंकि ये प्रॉफिट तो बिफोर डेप्रिसिएशन है, अभी डिडक्ट करना है डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट। अगर हम सही सही कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा फिक्स कॉस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन आ गया 60 लाख, प्लस कर लेंगे इंटरेस्ट, प्लस कर लेंगे डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट है 15, डेप्रिसिएशन है 10, 85। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते तो हम यहां लिख सकते हैं 85, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो 5 का नुकसान लिख दे तो कोई बुराई नहीं है, इसको हटा दो। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्हाट्स द एनुअल फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी? हो तो गया, हो तो गया, दिस इज योर आंसर। अरे हो गया, आगे की चीजें निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, हम कोई मना नहीं कर रहे। नोट कर लो, थोड़ा स्पीड ले आना। नहीं समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 13 देखो, समझ में आया? सेल फॉर 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स, सुन लो, सेल्स फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ, ये 2 महीने का दिया हुआ है। फर्स्ट मंथ की सेल्स दी है 380,000 एंड सेकेंड मंथ की सेल्स दी है 420। ढंग से सुनना, इत्मीनान से दिमाग में बात बैठा हो, ये जनवरी की सेल्स और ये फरवरी की। नेट प्रॉफिट फॉर दीज मंथ्स, तो इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया होगा तो क्या आ गया होगा? इसमें से फिक्स कॉस्ट पर मंथ माइनस किया होगा तो पर मंथ का प्रॉफिट आया होगा। Now the profit are given to us 24,000 and 40,000. Now in case no information is given, हमसे पूछा है पीवी रेशियो बताओ। अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो तो हम ये तो मान करके चलते हैं सेल्स प्राइस पर यूनिट ऑलवेज फिक्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज फिक्स एंड फिक्स कॉस्ट इन टोटालिटी इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो जितनी फिक्स कॉस्ट यहां रहेगी उतनी ही फिक्स कॉस्ट यहां रहेगी, भले ही पर मंथ अलग अलग मंथ का दिया हो। तो इसका मतलब दोनों में जो चेंजेस आएंगे वो इसमें जीरो हो जाएगा फिक्स कॉस्ट, ये हम ऊपर लिख सकते हैं चेंजेस। अब तक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिख रहे थे, बट दिस इज नॉट द केस ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बट द कंसेप्ट विल कैन नॉट बी चेंज्ड, विल नॉट बी चेंज्ड, विल कैन नॉट बी, नहीं विल नॉट बी चेंज्ड, हाँ या ना? तो कंसेप्ट तो हमारा सेम रहेगा। अरे बोल, चेंजेस कितने आ जाएंगे? इसका चेंजेस कितना आ जाएगा? तो आंसर आ गया ना, ये क्या बारा प्रॉब्लम थी, यही पूछा है? और भी पूछा होता तो हम बता देते 1,44,000 फिक्स कॉस्ट पूछा होता तो,
हाँ या ना, 168। वन ट्वेंटी एट, वन इसका वन वन आ गया आंसर। फिक्स कॉस्ट पूछा नहीं था, लेकिन तुम लोग फिक्स कॉस्ट भी बता सकते हो और पीवी रेशियो भी बता सकते हो, क्या दिक्कत थी? बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन था क्या? कंसेप्ट तो वही रहेगा। नोट करो, सेल्स है 2 लाख की, 2 लाख नहीं है, 2 लाख है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट है मालूम नहीं, लेकिन पीवी रेशियो दे रखा है परसेंटेज में 40%, तो हम तो बता नहीं पाएंगे कंट्रीब्यूशन, नहीं बता पाएंगे ना। अच्छा, प्रॉफिट बताना है, क्या बताना है? बस इतना सा हिसाब दिया करे, प्रॉफिट बताओ। बता लोगे तुम लोग? बता लोगे प्रॉफिट? हमसे बोला है सेल्स इतना, फिक्स कॉस्ट अच्छा नहीं लिखा क्या मैंने? 30,000 तो प्रॉफिट नहीं बता पाओगे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, सेल्स है 10,000, कितनी? वेरिएबल कॉस्ट नहीं मालूम, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है यानी पीवी रेशियो 40%, कहता है वेरिएबल कॉस्ट बताओ, तो नहीं बता पाएंगे, कितना हो जाएगा? बात खत्म, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक प्रोडक्ट है जिसकी सेल प्राइस है 8 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन 5 लाख रुपीस, फिक्स कॉस्ट 18,000, ये 5 लाख नहीं, 5 रुपीस है, सॉरी मिसप्रिंट है वो, फिक्स कॉस्ट 18,000 रुपीस बोल सकते हो या 2 रुपीस पर यूनिट, व्हाट्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी? हमसे पूछा क्या है, सुनो इधर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमें नॉर्मल सेल्स चाहिए होती है, वो हमें मालूम है क्या? हाँ, 9,000 यूनिट्स। अगर 18,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से खर्च हो रहा है, इट मींस नॉर्मल सेल्स यूनिट इज 9,000। हाँ या ना, तो हमें ये 9,000 यूनिट्स दिए हुए हैं। सेल प्राइस पर यूनिट 8, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3, फिक्स कॉस्ट टोटल 18,000 दिया है ना, तो फिक्स कॉस्ट कहां रख देंगे? नॉर्मल पे। और अगर बीईपी निकालना है, तभी तो बीईपी निकलेगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा, क्योंकि हमें मालूम है नॉर्मल सेल से बीईपी माइनस करते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलता है। अच्छा, तो हमारा बीपी में ही फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, बीपी में प्रॉफिट, और हमारा एक और चीज जीरो रहेगा, फिक्स कॉस्ट नहीं, क्यों? ये तो मालूम है, अब चेंजेस हैं, ये कितना आ जाएगा? 1 यूनिट पर 3 रुपए, तो कितने यूनिट पर? 18,000 नहीं आ गया, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा रुपीज में बता दो, तो आगे आंसर
नहीं समझ में आया सब, बाकी तो फिल इन द ब्लैंक से भर लोगे, कर दें वो भी, पता नहीं पता नहीं। अरे सॉरी 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 सॉरी, अब जैसे कैलकुलेशन करना हो कर लेना, क्रॉस टैली हो जाएगा। हटा रहे हैं, हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द फिक्स कॉस्ट 10,000, पीवी रेशियो 50%, बीईपी बता दो। अब तुम लोग के परीक्षा की घड़ी है, इधर भी 10,000, इधर भी 10,000, इधर जीरो, पीवी रेशियो बताओ, इंफॉर्मेशन कितनी कम दी है, क्या करें क्या करें, तो और क्या बताना था, बाकी चीजें कैलकुलेट करना भी चाहोगे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जितना पूछा उतना तो बता दिया तुरंत, नोट करो। हटा दें। क्वेश्चन नंबर 18 छोड़ देना, कर लेना वो बेकार क्वेश्चन है, 19 छोड़ दो, कर लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 20 चले, एक्स लिमिटेड ने कंट्रीब्यूशन अर्न किया है 2 लाख और नेट प्रॉफिट है इसका 1,50,000, सेल्स है 8 लाख रुपए, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो भाई, सारी इंफॉर्मेशन देकर पूछ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ। इसको लग रहा था हम लोग नहीं बता पाएंगे, देखो किसी का रेडियो ऑन है, नॉर्मल बीपी एमओएस सेल्स 8 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन 2 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, बस ना। अब सारी चीजें फिलअप करने में कितना टाइम लगेगा बोलो, कितना परसेंटेज आया, फिक्स कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितना रहेगा, तो 1,50 ये 100 कॉमन आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। बहुत टफ है, नहीं ना, नोट कर लो, बाकी चीजें तो फिलअप कर लोगे कि वो भी बता दें, पता नहीं। ये क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के आते हैं, कितने
बहुत टफ होते हैं। चार नंबर की कीमत तुम क्या जानो जिस बच्चे का एक मार्क से रुकता है कि नहीं? कई बच्चों का एग्जेम्पशन एक मार्क से रुक जाता है, कई बच्चों का टोटल एग्रीगेट 1 to 2, 1 का तो बहुत कम देखा है, लेकिन 2 मार्क से रुकते हुए तो मैंने भी देखा है। क्वेश्चन नंबर 21। एक कंपनी है जो कहती है हम अपनी सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना चाहते हैं बाय मार्किंग अप वेरिएबल कॉस्ट 60%। मैं फिर बोलता हूं, अ कंपनी डिटरमाइन इट्स सेलिंग प्राइस बाय मार्किंग अप वेरिएबल कॉस्ट 60%। वेरिएबल कॉस्ट उसकी 60% पर वे मेंटेन रहे। बोलो, या क्वेश्चन ये कहना चाहता है वेरिएबल कॉस्ट में 60% ऐड करना है। मैं क्वेश्चन फिर पढ़ दूं, अ कंपनी डिटरमाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, डिटरमाइन यानी निर्धारित करती है इट्स सेलिंग प्राइस बाय मार्किंग अप वेरिएबल कॉस्ट 60%। मार्किंग अप यानी वेरिएबल कॉस्ट में, बात समझ में आई? क्लियर है? अच्छा, कहता है इन एडिशन द कंपनी यूजेस फ्रीक्वेंट सेलिंग प्राइस मार्कडाउन टू स्टिम्युलेट सेल्स। इफ द मार्कडाउन एवरेज 10%, व्हाट्स द कंपनीज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। इफ द मार्कडाउन एवरेज 10%, मार्कअप करके आप मार्कडाउन कर रहे हो, मार्कअप करके आप मार्कडाउन कर रहे हो 10%, तो कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो बताओ। फिर पढ़ता हूं मैं, द कंपनी यूजेस फ्रीक्वेंट सेलिंग प्राइस मार्कडाउन टू स्टिम्युलेट सेल्स। अपनी सेल्स को मेंटेन रखने के लिए कंपनी को कभी कभी क्या करना पड़ता है, फ्रीक्वेंट तरीके से सेलिंग प्राइस को मार्कडाउन करना पड़ता है। इफ द मार्कडाउन एवरेज 10%, अगर ऑन एन एवरेज 10% है तो कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन यानी पीवी रेशियो बताओ। हमें मालूम है सेल्स है माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, ये क्या आ जाता है? अगर ये 100 है तो ये 160 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, ये जितना रहेगा उसका 60% ये रहेगा। अब कंपनी 10% मार्कडाउन कर रही है तो 160 का 10% यानी 144, हाँ या ना? और वेरिएबल कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, ये हो जाएगा 44। तो पहले ये हमारा पीवी रेशियो था, अब हमारा ये पीवी रेशियो है। बता दो कितना है, पहले का पीवी रेशियो बताओ, अब का पीवी रेशियो बता दो। नहीं हो पाएगा, पहले कितना था? 37.5, और अब कितना है? 30.56। दिस इज योर आंसर। चलें आगे, पक्का हटा दें इसको, नहीं समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 22। बी लिमिटेड हैज अर्न्ड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख, पीवी रेशियो हमें दिया हुआ है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, पीवी रेशियो 25%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50%, 50%, फिक्स कॉस्ट बताना है। क्या बताना है? सॉल्यूशन देखना। टफ नहीं लग रहा चैप्टर? लग रहा है? अभी नहीं तो कभी नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगा माइनस फिक्स कॉस्ट, ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं नॉर्मल है, ये बीपी है, मास है। अच्छा, मास कितना है, इसका मतलब नॉर्मल सेल्स कितनी, इसका मतलब बीपी कितनी, पीवी रेशियो 25% है, इसका मतलब सेल्स कितना, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना, नेट प्रॉफिट कितना है। तो यहां पर भी बीपी में 1 नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो यहां नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहां हमारा फिक्स कॉस्ट कितना रहता है, तो ये कितना आ जाएगा, और 1,25% के बराबर है तो 4 लाख,
और 4,50,000 के बराबर है तो 8 लाख, तो ये हो जाएगा 2 लाख, फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 1 लाख। 4 लाख का 25% 1 लाख माइनस 1 लाख, आ तो गया सब। बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, नोट कर लो। बोलो बोलो। हटा दे। चलो अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, एक और क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं वो भी। अब सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिसके लिए तुम लोग को इत्मीनान से देखना पड़ेगा। अब थोड़े लार्ज लेवल के क्वेश्चन हैं, मतलब तो लेंथी क्वेश्चन हैं, इत्मीनान से चलेंगे। एक या दो सेशन और चल सकते हैं हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग में, ठीक है ना। थैंक यू।